शर्ट और ट्राउज़र में जाऊंगा। हाँ, तो मैंने सोचा शायद आज ड्रेस चेंज नहीं करते, आज इसी तरह से जाते हैं, क्यों 2 घंटे फिर हमें वेट करना पड़ेगा, तो मैं वापस आऊँगा मैं यहाँ पर। आज ये फील जो है, मैं थोड़ा सा लेजी लेजी फील कर रहा हूँ, इस वजह से खाना जो है ना वो यहाँ पर है मेरा, मुझे लगता है ये बंद करवाना पड़ेगा ये मेस जो है ना यहाँ का। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मुझे ना एक सेल्फी स्टिक लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह से हाथ में पकड़ कर मोबाइल चलाना बिल्कुल ही मुझे मज़ा नहीं आ रहा। मेरा एक क्लास में जो है एंटस नाम है उसका, उन्होंने बेसिकली मुझे कहा था कि यार मुझे ना तुम जगा देना, तो मैं जैसे उनके रूम में गया थे ही नहीं वहाँ पर, यानी वो शायद वॉशरूम गए हुए थे चेंज के लिए। आज फिर मुझे जो क्लास के लिए ना सबसे टॉप फ्लोर पर जाना पड़ेगा, रोज़े की आदत में इतना ऊपर चढ़ना ना बहुत ही जलालत का काम है। अभी अभी हम थर्ड फ्लोर पर पहुँचे हैं। आ रहा है आपको? बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा आपको क्लास है? हाँ, आज मैं 8-10 क्लास खुली मेरी। हाँ, जल्दी जल्दी मैं कपड़े पहने और बाइक भगाते हुए आऊँ, मेरा एक्सीडेंट होता होते होते बचा है। अगर मैं भाई मैं बताना चाहूँगा, अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया आते हुए PM की क्लास, PE की क्लास में, तो इसका जिम्मेदार HOD। मसला ये है कि फाइबर के काम में अगर तू घुसेगा जब तक नहीं ना, तो जो समझ में मेरा वो भी नहीं आएगा। मतलब भाई असल में इन चीज़ ये चीज़ों ना मैं थोड़ी कम समझ में आती है, थोड़ी तो एक्सप्लेन क्या करती है। जब तक उस चीज़ में घुसेगा नहीं ना, घुस अंदर बस, कि मुझे ये काम करना है फाइबर का किसी भी तरीके से, थोड़ा बहुत से स्टार्ट कर और लगा रहे कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बेटा अब तो थोड़ा चढ़ तो सही, पर मज़ा आएगा मतलब ऐसे चढ़ता जा। कराची से अपनों में ईद मनाने के लिए थोड़ा इधर होना यार, थोड़ा सा इधर जो चल रहा होता है करंट सिचुएशन, हम लोग ना रूट कॉज नहीं देख रहे होते। अब रूट कॉज क्या है, लेट सपोज मैं एक कास्ट से बिलोंग करता हूँ, अब जो मेरी 7 सीट वाला बैठा है वो किसी और कास्ट से बैठा हुआ है, अब हम दोनों की दोस्ती हो जाएगी, तो अब मैं चाहूंगा कि मैं अपने दोस्त को नुकसान पहुंचाऊं, या वो दोस्त चाहेगा कि मैं इस दोस्त को नुकसान पहुंचाऊं, क्योंकि हमारे अंदर एक जो है ना अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई भी होगी, तो हम लोग एक दूसरे से ज्यादा सोचेंगे भी नहीं कि यार हमारे माँ बाप यार लड़ते रहे थे, हमें क्या पता, छोड़ो दफा करो तुम सही रहो। और मैंने मोस्टली नोट किया है जो भी घराने जो भी बंदे पढ़े लिखे होते हैं ना, वो ये चीज अवॉइड करते हैं, कहते हैं कि यार हम लोग जाए ही नहीं, क्या फटे में पड़ा हुआ है, खामा खा का मसला हो जाए, कुछ हो जाए, जानी नुकसान हो जाए, माली नुकसान हो जाए, फायदा ही नहीं है ना। तो हम लोग क्या करें कि ऐसी चीज़ें करें कि एक ही प्लेटफॉर्म पे जो दुश्मन लोग हैं उनके बच्चे एक ही प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ें, तो उससे क्या होगा कि उनकी बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। क्लासरूम तो आपका एक फैमिली वाला माहौल होता है ना, सब एक फैमिली में ही होते हैं, एक किस्म का फैमिली है। टीचर का बॉन्ड होता है स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स का आपस में अपना बॉन्ड होता है, तो वो उससे क्या होता है इनसिक्योरिटी फील नहीं होती। जब तक आप इनसिक्योर फील नहीं करोगे तब आप किसी को हार्म भी नहीं करोगे, क्योंकि आपको उससे इनसिक्योरिटी नहीं है। जो है ना ब्रेक हुआ है, हम जा रहे हैं सब नमाज की तरफ। मंगी साहब है, अफ्तार का टाइम तो नहीं है, तुम क्यों जा रहे हो? ये तहसीन भाई है हमारे, ये क्लास पे लोग, नमाज पर हमारा जाना हो रहा है, तो 1:15 बजे नमाज पढ़ने के बाद हम दोबारा नमाज पढ़ेंगे। अब रमज़ान चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, नमाज पढ़नी है, रोज़े रखने हैं, लोग सब जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं। तो मुझे बताओ तो मतलब नमाज आपने जब पढ़नी है जब रमज़ान होगा, अदरवाइज नहीं पढ़ता? अदरवाइज तो मैं भी पढ़ता हूँ, मगर मोस्टली पीपल जो है ना ऐसे ही करते हैं, उनको पढ़ना होता है क्योंकि रमज़ान होता है। सही, उनको ये थोड़ा सा शैतान वाली जो खसूसियात है वो थोड़ी कम हो जाती है रमज़ान में, वो ये फीलिंग्स भी होती हैं कि वाकई वो जो है ना शैतान जो है ना वो बदा हुआ है। सही, ठीक है, मिलते हैं नमाज के बाद। तो हम जा रहे हैं वापस अपने क्लास की तरफ रवाना। दोस्त सकलेन भी हमारे साथ शामिल हैं, हम कुछ सकलेन क्या शेयर करना चाहोगे? यार आज थोड़ा हमारा अच्छा दिन नहीं है, क्योंकि हमारे प्रोफेसर की डेथ हुई है, तो सर भी क्लास में आज नहीं पढ़ा रहे और बस जा रहे हैं क्लास अटेंड करें, क्योंकि मुझे पता है आधी से ज़्यादा क्लास अभी गई हुई है हॉस्टल, तो कोई हो ताकि क्लास में सर को देखे कि कोई बैठा है, तो हम जा रहे हैं, क्लास तो नहीं होगी लेकिन हम होंगे। तो बताएंगे इंजीनियरिंग के इकोनॉमिक्स के बारे में क्या होता है? हाँ, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट कोर्स का नाम है, जैसे नाम से जाहिर होता है। इसमें मतलब हम स्टडी करते हैं कि डिफरेंट
जो इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं या प्रॉब्लम्स होते हैं, सही है, उनको हम बेस्ट पॉसिबल वे में, मतलब इकोनॉमी के लिहाज से और मैनेजमेंट के लिहाज से ना, मतलब उसका बेस्ट फीजिबल वे कौन सा होता है, तो वो चूज़ करें, क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट के करने के हज़ारों तरीके होते हैं, लेकिन कौन सा हम चूज़ करते हैं तो वो हमें ये कोर्स सिखाती है। अभी अभी हमारी क्लास ख़त्म हुई है और अब हम सब जाने लगे हैं अपने अपने हॉस्टलों में। ये आप देख सकते हैं, ये सारे मेरे क्लास फेलोज हैं, ये तहसीन भाई हैं, उससे पीछे जो हैं तैयब भाई, हमारे मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द क्लास, आबिद रसूल भी एक लेजेंड बनता है हमारी क्लास का, उसके बाद हैं अब्दुल वाजिद, ये भी एक लेजेंड बनता है, बहुत ही शर्मीला, ये हैं अपने सकलेन भाई। देखो ये पढ़ाकू बच्चे अब दोबारा जा रहे हैं पढ़ने के लिए। एक बात जो आपको बताना जरूरी है वो ये है कि आप लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि सपोर्ट मिलता रहे मुझे। अभी अपने रूम पहुंचा हूं और यहां पर मैं ख़त्म करना चाहूंगा अपना विला, वो इस वजह से कि रोज़े चल रहे हैं, रोज़े में ना बोलना हो रहा है, ना काम करना हो रहा है, ना पढ़ाई हो रही है, तो मुझे आप दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।